खान इन दिनों अपनी प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म डेली बेली के फर्स्ट कट पर काम कर रहे हैं और आमिर ने इस फिल्म को जून या फिर जुलाई में रिलीज करने का सोचा है। वैसे इस फिल्म में आमिर के भांजे इमरान खान लीड रोल में नजर आएंगे। शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा अब दोबारा एक साथ नजर आएंगे कुणाल कोहली की अगली फिल्म में। सुनने में तो यही आ रहा है कि कुणाल ने इन्हें अपनी अगली फिल्म के लिए साइन कर लिया है। अब इनके लिंकअप की खबर दोबारा सुर्खियां बटोरे तो चौंकेगा नहीं। प्रतीक बब्बर अपनी अगली फिल्म में बनेंगे वन पंच प्रिंस, जो एक ही पंच में अपने दुश्मन के होश उड़ा देगा। इन शॉर्ट, प्रतीक इस फिल्म के साथ रजनीकांत के एक्शन को टक्कर देंगे। वैसे इनकी इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे फारूख कबीर। रानी मुखर्जी भी अब टेलीविजन पर अपनी किस्मत आजमाएंगी और वो आजकल टेलीविजन शोज में अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखा रही हैं। बस इंतजार है तो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट का। विद्या बालन अब सिल्क स्मिता बनने के बाद एकता कपूर की अगली फिल्म में रागिनी बनेंगी, जो एक इनफेमस एमएमएस स्कैंडल पर बेस्ड होगी। वैसे विद्या से पहले इस फिल्म को कंगना रनौत को ऑफर किया गया था।